बुद्धिगत टेक्नोलॉजी फेल है, वहां कृपा हृदयगत है, इसीलिए काम भी कर जाती। श्रद्धा हृदयगत है, इसीलिए काम करती है। तो जहां बुद्धि फेल हो जाए, वहां हृदय एक्टिवेट अगर हो जाए, तो समस्त बुद्धियों पर दम मारकर आगे निकल सकती है। ये श्रद्धा का विषय है। इसीलिए हृदय में श्रद्धा होना अत्यंत आवश्यक है। जहां श्रद्धा नहीं है ना, वहां मानसिक विकृति होती है। अमेरिका के कुछ लोग बड़े विकृत पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें संस्कार नहीं है, उनमें श्रद्धा नहीं है कि किसी गुरु का पूजन करना चाहिए या गणेश का पूजन। दस दिन उत्सव मना लेते हैं आप, तो गणेश जी की आरती करते, श्रद्धा का विषय है। नवरात्रि में माता जी की उपासना करते, श्रद्धा है। क्या है ये? कौन सी माता जी आपने कभी देखी क्या? कोई माता जी आम कोई नाम एक कोई जमाना मा करिए श्याम महिषासुर संहार। पर आप श्रद्धा से यदि उनकी उपासना करते हैं, तो वेदांत कहता है कि सभी में आत्मा एक है। यदि माता में जो शक्ति आप उसकी उपासना करते हो, तो आप भी उसी शक्ति स्वरूप हैं। ये वेदांत कहता है, इसीलिए उसकी उपासना है। कि उसके लिए हर काल में हर युग में कोई महिषासुर मर्दिनी प्रगट नहीं थवानी, पण तमारा माथी जो कोई एक महिषासुर मर्दिनी बनी जाए छे उस शक्ति की उपासना करने से। कहीं गणेश जी दर वक्त कहीं एवा साकार विग्रह नहीं आता, पण ये क्या है कि आप जिनकी उपासना करते हैं, आप कभी कभी जब ज्योत प्रगट करते हैं ना, तो ये भगवानों की जो मूर्तियां हैं आपको लाइव दिखने लगती। हम तमने लागे बोलती देखा है। वैसे ही आप जब गुरु की उपासना करते, तो आपको गुरु प्रतिपल प्रेरणा देते हैं। ये श्रद्धा का विषय है। आपको गलत रास्ते से बचाते हैं, ये श्रद्धा का विषय है। आप कोई कार्य करते हैं और गुरु की प्रेरणा होती है कि आम करिश्मा अंतम करो छो तो लोचो थवानो पाक्को 100%, ये हृदय का विषय है। तो जब बुद्धि और हृदय दोनों में से जब द्वंद उत्पन्न हो जाए, जब आप बुद्धिगत चीजों से परेशान हो जाओ, तो हृदयगत और जो आपके हृदय में विराजमान है उसको श्रद्धा की खुराक दोगे, आप स्वस्थ हो जाओगे। पक्की बात है। इसी को शास्त्रों ने कहा है, श्रद्धा पूर्वक धर्म। श्रद्धा क्या है? धर्म है। धर्म का दूसरा नाम क्या है? श्रद्धा है। इटले ज अपनी संस्कृति में, हमारी सनातन संस्कृति में श्रद्धा के कई त्योहार आपको देखने जानने को मिलते हैं। हरिताली का तीज है, क्या है? पिला जुआरा उगाड़े ने नानी छोकरियों पेलू का जाए ने जया पार्वती व्रत कहवा। ये उनकी श्रद्धा है कि जया पार्वती व्रत करने से अच्छा पति मिलता है या सुखमय जीवन होता है। पर अगर हम वेदांतिक दृष्टि से देखें, तो परमात्मा यदि कण कण में है, तो जिस यदि वो गेहूं के जवारे हो या गणपति की मूर्ति हो, जहां आपकी श्रद्धा हो जाती है, वहीं भगवान साकार भी हो जाता है। इसीलिए श्रद्धा करो, श्रद्धा पूर्व सदा धर्म। सदा धर्म कहां रहता है? श्रद्धा में रहता है। श्रद्धा मध्यंत संस्थित, श्रद्धा से ही ये जगत स्थित दिखता है। नहीं तो श्रद्धा ना हो तो एक दूसरे का पोषण ना हो सकता। और यहां की संस्कृति क्या कहती है कि यदि आप गंगा 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 यदि कहते हो, तो आपके घर का जल भी गंगा जल में परिवर्तित हो जाता है। श्रद्धा। इसीलिए हृदय में श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। श्रद्धा निष्ठ प्रतिष्ठश्च, जो श्रद्धा निष्ठ है उसकी प्रतिष्ठा भी चारों ओर फैलती है। इसीलिए श्रद्धा होना बहुत आवश्यक है।